नारायण का वार है, ये गिवन है, ये प्रूफ कर ये। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, ये आज तक का जितना भी हमने नंबर सिस्टम में काम किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में 99.9% आएगा। सेक्शन डी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन, हम इससे स्टार्ट करेंगे और ये लेकर आएंगे। तो हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू हम क्या करेंगे यहां रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे हम इनटू यहां माइनस है तो हम क्या लेंगे क्लियर कपिल को दोस्त समझ में आया माइनस था तो हमने क्या किया प्लस प्लस ये एज इट इज और माइनस की जगह प्लस प्लस जस्ट लुक एट द न्यूमरेटर ए प्लस टू बी प्लस ए माइनस टू बी ए प्लस टू बी प्लस ए माइनस टू बी ये दोनों आइडेंटिकल है या नहीं तो ऊपर को ऊपर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट शुड आई हैव होल स्क्वायर हो गया ए प्लस बी ए प्लस बी इज ए प्लस बी का ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी ये शीट जानी नहीं इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट प्लस ट्वाइस ऑफ ए इनटू बी स्क्वायर रूट से स्क्वायर आंसर ए प्लस टू बी माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट ले लिया ए माइनस यहां तक कोई डाउट दिस इक्वल टू दिस है तो इंप्लाइज का निशान आएगा व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑलवेज यूज दिस साइड नाउ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से स्क्वायर स्क्वायर रूट से स्क्वायर ए प्लस टू बी ए माइनस टू बी प्लस ट्वाइस और देखो ये कांट आई राइट इट एज दिस लिख सकता या नहीं क्यों क्योंकि रूट पी मल्टीप्लाइड विद रूट क्यू इज रूट पी इंटू क्यू क्लियर है रूट पी इंटू रूट क्यू इज रूट पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए प्लस टू बी माइनस ए प्लस टू माइनस ब्रैकेट खोलते दिस एंड दिस प्लस टू बी माइनस आंसर ए ए क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी क्लियर सब समझ में आ रहा है या नहीं टू बी क्या हो गया फोर अब ऊपर न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ गया क्लियर दिस एंड दिस कैंसिल तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b क्लियर बोलो कोई डाउट यहां तक ये ट्रू है ना ये 4b है तो 2 से 4 कैंसिल ही हो गया तो ये a प्लस रूट अब ये तो कैंसिल हो गया तो a प्लस ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डिवाइड बाय ये 4b का 2b हाँ बोलो क्या डाउट है यहां तक कोई डाउट क्लियर है ना बेटा जी देन अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस तो ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2bx 2bx इज इक्वल टू 1 इंटू दिस इज एग्रीड क्लियर है देन अगेन
अब जो स्केयर रूट की टर्म है उसको राइट साइड में रखो, बिना स्केयर रूट को लेफ्ट साइड में रखो। ये जरा के नेगेटिव हो गया, क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करने का, अब हमें ये स्केयर रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, स्केयरिंग द अबाव, स्केयरिंग द अबाव ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब इसके बाद मैं आंसर यहां लिख रहा हूं, अब इसका स्केयर, स्केयरिंग द अबाव होता है, इसका स्केयर हो गया और इक्वल टू इसका स्केयर हो गया, क्लियर। अब स्केयर रूट से स्केयर, दिस इज इंप्लाइज ये क्या होगा, 2bx माइनस a का होल स्केयर, a स्केयर माइनस 4b स्केयर, 2bx माइनस a का होल स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर राइट, माइनस 2 इनटू a इनटू b इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 4b स्केयर, क्लियर है, समझ में आ रहा है। दिस इज 4b स्केयर 2 का स्केयर b स्केयर x स्केयर प्लस a स्केयर, 2 2 क्या हो गया 4 abx, 4 abx इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 4b स्केयर, क्लियर। दिस इन चर्न, अब यहां प्लस a स्केयर है, यहां भी प्लस ए स्केयर है, जब मैं इधर इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या मैं डायरेक्ट ए कैंसिल नहीं कर दूं उसको, आदि नहीं समझना है ये ऊपर से नीचे यहां से ये 2 का स्केयर 4 बी का स्केयर बी स्केयर एक्स का स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर 2 into 2, 4, a, b, x, a, b, x, equal to a square minus, clear? Abhi plus a square, abhi kya hai? 4b square, x square, plus a square, minus 4abx, abhi ye idhar aake negative ho kya? Par ye idhar aakar, equal to 0, clear hai? Plus a square, minus a square, cancel. What I'll be left with? 4b square. एग्रेट क्या समझ में आ रहा है, तीनों में देखो क्या क्या कॉमन है, 4 4 4 बी 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 यानी कि 4b कॉमन है, 4bb 4b स्क्वायर एक्स राइट माइनस 4b 4b बचा क्या ए एक्स, 4b क्या बचा 4b क्लियर इज इक्वल टू 0। अब दिस इनटू दिस इज 0 यानी कि या तो ये 0 होगा भाई, 0 मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 0 और b x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0 बाई 4 यानी कि b क्या हो गया 0, या तो b 0 या bx स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0, और यही प्रूफ करना था इतना, bx स्क्वायर माइनस ax प्लस b, bx स्क्वायर माइनस ax प्लस b प्रूफ हो गया है, नहीं हैंस प्रूफ। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे याद रख, अभी हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं। Have you seen any questions like that in the NCERT? Is that clear? NCERT can be over in one class, but number system is very elaborate. And I tell you one thing, each of you will have to practice. You will have to take only 15 minutes rest once you reach home. And after 15 minutes, immediately you will have to sit and execute the work.
राइट, जो भी क्लास के अंदर आज क्वेश्चंस कराए गए हैं उन सबको दोबारा करेंगे आप जाकर, क्योंकि ये कहना मुश्किल है कौन सा क्वेश्चन ज्यादा